Hello. Good morning to all of you. Today I would like to talk about B.A. Part One's General English second paper, and it's my humble request to all the students who have offered General English, please take your General English second paper out and open it on page number 44. तो आज हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश के सेकंड पेपर के बारे में, बीए पार्ट वन के. जिन विद्यार्थियों ने जनरल इंग्लिश ले रखी है वो प्लीज़ अपना सेकंड पेपर निकाल लीजिए. दिनेश नॉलेज प्लस 2018 एग्जामिनेशन का बीए पार्ट वन का सेकंड पेपर निकाल लीजिए. यहाँ पर आपका पेज नंबर 44 पर एक्सरसाइज नंबर 6 दे रखी है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ. यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवेन इन ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस. सॉरी, थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं. जहाँ पर जिन सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि अगर उसमें अगर लगा होता है, मतलब कोई शर्तीय वाक्य जो होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं. अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को बताना, कि अगर कंडीशनल सेंटेंसेस का कोई भी वाक्य हम देखते हैं वो गार्गी के पर रुकता है, और उसी में एक वाक्य और जुड़ा हुआ है वो भी गागी के पर रुकता है, तो जिसमें अगर वाला वाक्य होगा तो उसे हम प्रेजेंट डेफिनेट में बनाएंगे. और आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि जिसे अगर वाला वाक्य है, और इसी में मुझे कहना चाहिए आपसे कि आपका अगला जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, लेकिन अगर वाला जो वाक्य है या वैन वाला वाक्य है या जब वाला वाक्य है या जब तक की वाला वाक्य है उसको हम प्रेजेंट डेफिनिट में बनाते हैं, और जो दूसरा वाक्य है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो हमने इस सेंटेंस में एक बात देखी, ये दो वाक्यों को मिलकर एक वाक्य पूरा बनाए, इस तरह समझ लिए, या बात पूरी हुई है दो वाक्यों के सहारे से या उस सपोर्ट से. अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, मतलब कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. भले ही हमारे दोनों सेंटेंसेस गागी गे पर रुके हैं, लेकिन इफ़ वाला सेंटेंस हमें प्रेजेंट डेफिनिट में बनाना होता है. ओके, एक्सक्यूज मी फॉर सम मोमेंट.